तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर ब्रांड न्यू एंड लेटेस्ट वीडियो ऑफ रोस्ट गेमिंग 2.0। और गाइस, कैसे हो आप लोग? आज हम लोग फिर से खेलने वाले हैं हीरो ब्रांड एसएमपी 2। और तुमको पता है पिछले दो एपिसोड से कि हमारे साथ क्या हुआ। हमारे खुद के ही दोस्त ने हमको धोखा दे दिया और धोखा दे के हम लोग को निकाल भी दिया, हमारा सारा सामान छीन लिया। बट लिटली श्लोक आया और श्लोक अपने साथ साथ हमारे सारे होप्स को भी वापस ले करके आया। उनको सारे नेदरराइट एंड वॉट एवर जो भी चाहिए थे सब वापस मिल चुके हैं। और कैसे मिले हैं पिछले पार्ट में तुम सबने अच्छे से देख लिया है। और अब इस पार्ट के अंदर हम लोग बनाने वाले हैं ट्रैप, जिसमें शिवा बहुत ज्यादा इजी फंसने वाला है। और शिवा को उस ट्रैप में फंसा करके हम तीनों मिलके उसको मारने वाले हैं, वो भी कुत्तों की तरह। और अभी सबसे ज्यादा अच्छी बात पता है क्या है कि शिवा जो है वो अकेला है, अभी सिंगल है। उसके जितने भी दोस्त है सब वहां पे पार्टी कर रहे हैं, सब यहाँ पे एसएमपी से गायब है। और इटली सबको ऐसा लगता है कि शिवा ओवर पावर्ड, लेकिन भाई जितना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होता है उतना ही किसी बंदे को मारने में मजा आता है। तो सीधा बढ़ते हैं इन दोनों की तरफ, यानी कि माइंड गेमर और गेमर गॉड की तरफ, और इनसे बात करते हैं और प्लान बनाते हैं कैसे आखिर शिवा को मारना है। और गेमर गॉड और शोक भाई, कैसे हो आप लोग? बढ़िया भाई, बढ़िया है, लेकिन सैड भी है। शिवा की आज मौत पक्की है भाई, मौत पक्की है उसकी। हाँ भाई, आज उसको ऐसे मारेंगे, ऐसे मारेंगे। और गेमर भाई, गेमर गॉड आपने कितनी तैयारी की है बताओ? भाई बहुत तैयारी की है भाई, बहुत सारी पीवीपी की है। हाँ चलो ठीक है, देखते हैं अभी सारे पीवीपी देखो। सुनो सुनो गाइस, गाइस पहले इधर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, एक प्लान है, इधर आओ। हम लोग क्या करते हैं, ऑब्वियसली सबको पता है कि शिवा मेरा पिछला पार्ट देखा होगा, ठीक है? तो शिवा जब देख लिया होगा तो उसको लोकेशन पता चल गई होगी ये वाली, तो ये लोकेशन को शिवा छोड़ने नहीं वाला है। तो भाई हम लोग सबसे पहले तो अपने मेन बेस पे ना जा करके, यानी कि जहाँ से शिवा ने हमको निकाला है, चलते हैं अपने उस वाले बेस पे। वो वाला बेस कौन सा बेस तुमको पता है ना, तुम दोनों अच्छे तरीके से जानते हो। हमारा नहीं, हमारा न्यू स्पॉन जिसके बारे में शिवा को भी नहीं पता है, जहाँ पे हमारा चौथा भाई रहता है, वहाँ चलते हैं। और वहाँ पे चलने के लिए लेकिन हम लोग के पास एक बहुत बड़ी मजबूरी है कि हम लोग को उसी सीढ़ी से जाना होगा जिस सीढ़ी से हमारा ओल्ड बेस कनेक्ट है। तो रेडी हो? कुछ भी होने के लिए रेडी हो ना? सारे आर्मर को टाइट कर लो और खाना खा लो, निकलना है अब जल्दी। तो गाइस, श्लोक भाई, गेमर गॉड, जल्दी आओ मेरे पास। अब सब खाना खा चुके हो ना पहले पूरा? मुझे नहीं लग रहा है भाई कि वहाँ पे कुछ ठीक होने वाला है। हम लोग के लिए पहले ही कुछ ट्रैप बना दिया हो, क्योंकि उसको ऑलरेडी पता चल गया है कि हम लोग वहाँ पे जाके आ चुके हैं। आओ जल्दी आओ भाई। ये ऊपर प्लस का साइन क्यों आ रहा है, शील्ड वाला? पावर से मिली है हमको, थोड़ा खैर उस बात को उनसे वो भी चल सकते। देखो इसी सीरीज हम लोग ऊपर चलना है। गेमर गॉड पीछे आओ, ट्रैप हो सकता है। श्लोक को भी आओ, किधर हो? इधर ना, इधर। आ गया, देखो ना। ओ यार, ये इनका नखरा बहुत होता है, सीरियस चैट कर रहा हूँ। सब संभल के आना, यहाँ पे ट्रैप हो सकता है। अरे मैं हूँ ना, कोई ट्रैप नहीं होगा, यू नो, वेरी ब्रेव पीपल। कोई भी ट्रैप ना हो पर्सन, संभाल के आओ भाई। गोल्डन एप्पल भी खा लो, गोल्डन एप्पल भी खा लो भाई। भाई 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 भागो भाई, शिवा भाई 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 भाई, ये कैसे आ गया? मारो इसको, मारो मारो मारो, तीनों मार सकते हैं, इजी मार सकते हैं, इजी इजी भाई। इसको लगते ही नहीं भाई, ये मर क्यों नहीं रहा है? देखो भाई, ये उड़ रहा है क्या भाई? ये देखो, लग नहीं रहा है, मर क्यों नहीं रहा है? भाई बाबू वरना हमारा फिर से सारा नेदर राइट जाएगा। जल्दी, एक बार गवा चुके हम भाई। शिवा रुक जाओ भाई, भाई शिवा रुक जाओ भाई। शिवा एक बात बोला बोला बोल, आगे बोल, आ जाओ सीढ़ी पे, सीढ़ी पे, सीढ़ी पे भाई, सीढ़ी पे सब लोग आओ सीढ़ी पे, वरना रोज को सुनो, चलो सीढ़ी पे। रोज भाई ट्रैप भी हो सकते हैं,
भाई पक्का नहीं है ना? मैं बोल रहा हूँ ठीक है। स्लो गेमर कोड आप पीछे रहना ठीक है, मैं बात करके आता हूँ, हो सकता है कोई दिक्कत हो। शिवा मेरी बात सुनो, शिवा देखो तुम बहुत समझदार आदमी लगते हो ठीक है, तुमने एसएमपी को भी काफी अच्छा बनाया है ठीक। मेरा एक रिक्वेस्ट है, मानोगे भाई? भूल जाओ सब जो भी हुआ, चलो फिर से प्यार से खेलते हैं। भाई तुम क्या चाहते हो? मैं बहुत कुछ चाहता हूँ एसएमपी को मेरे कब्जे में। अभी भी टाइम है, सुधर जाओ। क्या टाइम है भाई? तुमको डैमेज क्यों करना है पहले ये बताओ। रुक जाओ सब बात छोड़ो। तुमको डैमेज क्यों नहीं लग रहा है पहले ये बताओ। डैमेज मेरे को लग रहा है, मैंने वो मेरा ऑफ करके रखा, तुम मैंने मोड लगा के रखा हो, तुमसे तुम मुझको नहीं दिख रहा हो। ऐसा कुछ नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो शिवा, हमको अच्छे से पता है तुम झूठ बोल रहे हो, सच बोलो क्या है। ऐसा हो ही नहीं होता है, नहीं होता है कोई। शिवा मेरी बात सुनो, को अभी कितना वेट कर रहा हो तुम नहीं मर रहे हो, और डेफिनेटली अगर डैमेज लगता है तो प्लेयर पीछे जाता है ना, भी तो एनिमेशन लगा दो तुम भाई। शिवा तुमको कसम है, सच बोलो, तुमने क्रिएटिव यूज किया है? कसम दिया है, क्रिएटिव नहीं तो मेरे पीछे एक है, उसका नाम मैं वो मैं तेरे को पूरा नहीं बता सकता, खाली मेरे पीछे ना बाकी चल निकल। व्हाट नल गाइस, यहां पे शिवा बहुत ज्यादा बड़ा वाला खुलासा करता है और बताता है कि उसको डैमेज नहीं लग रहा है और इन सबके पीछे नल है। अब नल कौन है हम लोग को सीरियसली नहीं पता है यहाँ पे, और नल कोई भी हो सकता है भाई यहाँ पे, नल कोई प्लेयर हो सकता है जो कि हैकर हो, या फिर भाई कोई ऐसी शक्ति, कोई ऐसी अदृश्य शक्ति जो कि लिटरली शिवा को पावर्स दे रही है, जिसके कारण वो एसएफपी में इतना ज्यादा आगे निकल पा रहा है। और साथ साथ में गाइस तुमको एक बात पता है, तुमने अगर पिछला एपिसोड देखा होगा तो तुमने देखा होगा हम लोग के पास अचानक से काफी सारे नेदर पोर्टल अचानक से बन गए थे भाई, मतलब 6 से 7 नेदर पोर्टल ऑटोमेटिक हम लोग के आसपास में बन जा रहे थे। तो हमको तो नहीं लगता भाई कि नल जो है कोई नॉर्मल इंसान है भाई, या तो वो कोई गलत ही शक्ति है, गलत ही पावर है, कोई अलग ही एंटिटी है, या फिर भाई लिटरली नल हो सकता है कोई बहुत ज्यादा बड़ा हैकर हो जो कि माइनक्राफ्ट को खुद ही कंट्रोल कर रहा हो और शिवा भाई उसका दोस्त हो ठीक है। तो भाई लिटरली शिवा यहाँ पे क्या कर रहा है और क्या कहना चाह रहा है हम लोग को कुछ भी अभी समझ नहीं आ रहा है, बस शिवा जो कह रहा है वो ये है कि उसके पीछे एक नल है जो कि भाई उसको शक्तियां दे रहा है, पावर दे रहा है, और अभी उसको ऐसी पावर दे रखा है उसने जिसके कारण उसको एक भी हिट नहीं लग रही है। और भाई हम लोग यहाँ पे भागते भागते आ गए थे, बट यहाँ पे शिवा पता है क्या करता है, लिटरली शिवा हमारे बेस को ढूंढ लेता है, और ऑब्वियसली हम लोग को पता था पिछले वीडियो को देखने के बाद वो हमारा बेस ढूंढ लेगा, बट आगे देखो वो क्या करता है हमारे बेस के साथ। एप्पल से लगा होगा आपके, गोल्डन एप्पल का है ना? तो बीकन दिखा, तेरा मतलब वो तेरा वो कहाँ पे बेस, कहाँ पे तेरा बेस दिखा? जमीन के अंदर है। दिखा दे भाई, भाई नहीं है मेरे, पर मैं नल को बोल दिया, नल भाई तुमने को छोड़ेगा। नल भाई है तुम्हारा? नल नहीं कुछ नहीं, हाँ समझ ले भाई है, वो छोड़ेगा तुम लोग को, बता दे कहाँ पे देख कहाँ गया थे, मैं पूरा आलिंग बात बता, पूरा आलिंग बात। तेरे को हिट की नहीं लग रहा वो बता, तेरे को हिट की नहीं लग रहा वो बता भाई। शिवा अभी भी टाइम है भाई, प्लीज हम लोग को उस नल से तेरा हमारा बेस तोड़ देगा, तोड़ दिया शिवा, बेस मत तोड़ भाई, देख कितना मेहनत से बनाया हमने, शिवा देख हमने कितना मेहनत से बनाया। निकल निकल भाई, भाई तुम मेरे पर टीएनटी होगा, टीएनटी तेरा अब बेटा ठीक है। अरे पीछे भाई इसको रोक भी नहीं सकते, 2 मीटर का लगता ना भाई, भाई यार भाई टीएनटी उसके बाद। गेमर कोड वाटर बकेट दे, गेमर कोड वाटर बकेट दे, वाटर बकेट दे जल्दी, वाटर बकेट ऑटो स्लो, नहीं नहीं मेरे को कुछ नहीं होगा। अरे यार ये फूट रहा है भाई, भाई इसमें ऊपर पानी डालो, टीएनटी के ऊपर पानी डालो तो फूटेगा नहीं भाई, मेरे पास भी बकेट है, वाटर नहीं है उसमें। तो क्यों कर रहे हो तुम, खाना पी लिया तुमने, डाले बेटा मारो बेटा पानी में, रुक जाओ भाई, तेरे को हिट की लग रही ना इसलिए, नहीं तो तेरे को दिखा देता क्या हो, क्या पीवीपी होती है भाई। भाई हम लोग के सारे एप्पल्स खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग इससे जीत नहीं पाएंगे। एप्पल चाहिए, एप्पल चाहिए, एप्पल लेता हूँ, ले
कितना चाहिए क्या ले ले क्या भाई, इसको कैसे मार सकते हैं भाई? भाई हमारे सारे बेस को भी इसने तोड़ दिया। तू आग क्यों लगा रहा है भाई? भाई भागो यहाँ से भाई, हमें भी मार देगा श्लोक। चल चलो तुम्हारा बेस तो गया, रुक जाओ वरना तुम्हारा बेस तोड़ दूंगा। रुको मेरे साथ चलो जहाँ मैं बोल रहा हूँ, पीछे पीछे। श्लोक भाई बचा लो यार, रुको श्लोक भाई भागो यार। बाद में बेस तोड़ दूंगा। इसको लग ही नहीं रहा है क्या कर रहा है, क्या किया है इसने भाई? एक मार रहा है पहले तो भाई। भाई भाई मैं मर जाऊंगा भाई, मेरी नेटराइट फिर से चली जाएगी। मेरे पीछे कौन है? नर्ल तो मेरा भाई जीते यार। सुन तो गए भाई, सुन तो गए कौन है? पहले तो रोज चले पता चल गया ना तेरी सारी पावर से क्या कर, बस मुझे नल के बारे में। जब तू मेरा कुछ नहीं कर सकता कौन है? कौन है नल ने कहा गया तुझे? हां तुझे तो मारना ही पड़ेगा, जिसका रखता भी नहीं भाई। मैं सुख से तेरे गाय के ऊपर कर रहा है, तू उसको मारना है और ऊपर कर रहा है भाई। मार रहा है तो गए, मुझे मार रहा है। तुम लोग किधर हो? हां यार इधर भाई, मैं एक भी बम के पास। ओके आ गया आ रहा भाई। स्लोप कहां गया शिवा? तेरे को अगर एक भी हिट लगती ना तेरे को दिखा देता क्या करता हूं भाई। भाई मुझे मारे जा रहा है। रुको भाई, तो मैं श्लोक भाई, श्लोक भाई ये मार देगा भाई, ये मार रहा है। अरुण भाई सुनो सुनो सुनो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ो, मेरे मेरे पीछे आओ, मैं कुछ बताता हूँ। इधर मेरे ये श्लोक भाई इधर है। रोज भाई ये देखो, आप आइलैंड आइलैंड के अपोजिट साइड जे साइड पे अपना बेचता हूँ। किधर जाना? किधर है? रुको तो सही, रोज भाई आ जाओ जल्दी आओ। किधर इधर इधर, तुम सिर्फ मेरे पीछे आओगे। तुम हो किधर? इधर पीछे देखो आपके। देखो इधर हूँ। आई सी वाल तो है। कहाँ चल जाओ? देखो भाई ट्राइब मेरे पास की, मैं तुमको मेरी रियल पावर नहीं दिखा सकता ना, पावर दिखाते भाई। कहाँ चल? सबसे पहले शिवा से एस्केप करते हैं, फिर उसके बाद आपको कुछ तो दिखाते हैं। चलो भागो इधर से। गेमर गॉड जल्दी आ जाओ, मेरे पीछे आओ, भागो जल्दी। नो बेटा कहाँ गए? कहाँ गए? शिवा से एस्केप का एक ही तरीका है। इधर हो गए आप लोग? कहाँ? हाँ शिवा, हाँ शिवा आ गए भाई, भागो जल्दी आओ। या या मिस्टर आ गया, आ गया, तब गॉड तू तो खत्म। तो गाइस यहाँ पे शिवा हमारे प्यारे केबल कॉर्ड को मार देता है। और लिटरली हम लोग केबल कॉर्ड को काफी ढूंढने का भी कोशिश करते हैं, बट हम लोग जानते थे अच्छी तरीके से कि अगर हम लोग अब पीछे गए तो लिटरली शिवा हम लोग को भी जान से मार देगा, और कोई भी तरीका नहीं था हमारे भाई केबल कॉर्ड को बचाने का। और केबल कॉर्ड भी यहाँ पे ऑफलाइन हो जाता है, और भाई लिटरली उसकी आवाज भी अब सही से नहीं आ रही होती है। तो मैं और श्लोक डिसाइड करते हैं उस रास्ते पे जाने के लिए जिस रास्ते को श्लोक ने बनाया था फॉर इमरजेंसी, फॉर गोइंग टू आवर न्यू स्पॉन, जिसको शिवा ने अभी तक नहीं देखा है। और होपफुली भाई शिवा कभी देख भी नहीं पाएगा, क्योंकि मैं उस लोकेशन को कभी भी वीडियो के अंदर रिवील नहीं करने वाला हूँ। डायरेक्ट मैं और श्लोक भाई वहां पे जाते हैं, और वहां से सीधा हम लोग न्यू स्पॉन की तरफ अगला सफर तय करते हैं। तो भाई सबसे पहले हम लोग सीधा चलते हैं उस लोकेशन पे, और सीधा निकलते हैं उस लोकेशन से। और शिवा गलती से भी उस लोकेशन पे नहीं आना चाहिए, इसलिए भाई हम लोग यहाँ से तेजी में 1 2 3 हो जाते हैं, क्योंकि अगर शिवा वहां पे आ गया तो फिर भाई सब खत्म हो जाएगा, वो लोकेशन के साथ साथ हमारा न्यू स्पॉन और हमारा SMP में रहना सब खत्म, लिटरली टाटा बाय बाय सी हो जाएगा। तो हम लोग को अभी तेजी में यहाँ से निकलना होगा। तो गाइस लिटरली हम लोग सीधा उस लोकेशन पे आ चुके हैं, और भाई मैं ये देख के स्टॉक हो गया कि श्लोक भाई ने यहाँ पे फायर रेल बना रखी है ऑलरेडी। और भाई ये श्लोक भाई ने कब बनाया था? तो जब हम लोग का न्यू स्पॉन पे हम लोग गए थे, ट्रांसफर हुए थे, तुमको याद होगा उस टाइम पे भाई लिटरली श्लोक ने इसको अपने खुद के पर्सनल यूज के लिए बनाया था, अपने इमरजेंसी पर्पस के लिए बनाया था। बट भाई लिटरली आज ये रेल जो है ना, आज हम दोनों के ही काम आ रही है यहाँ पे अपने ओल्ड स्पॉन से न्यू स्पॉन जाने में। और सुबह मुझे पता है इस वीडियो का जी जान लगा देगा, जी जान एक कर देगा इस जगह को ढूंढने के लिए। लेकिन भाई जब तक सुबह इस जगह को ढूंढेगा, ऑलरेडी इस रेलवे ट्रैक पे मैं 200 से ज्यादा यहाँ पे ब्रेकेस लगा दूंगा। अभी मैं तेजी में श्लोक भाई के साथ जा रहा हूँ इस पार से सीधा अपने न्यू स्पॉन पे, और न्यू स्पॉन पे पहुंचने के बाद 110% श्लोक भाई एक बार और यहाँ पे पीछे
जाएंगे गेमर गॉड भाई को लेने हमारे, और भाई उसके बाद सीधा हम लोग यहाँ से सीधा न्यूज पॉन पे जाएंगे, और उसके बीच में मैं श्लोक भाई को बोलूंगा इस पटरियों को इतने भाग में तोड़ देने के लिए शिवा चाह करके भी इनको नहीं जोड़ पाए, और जोड़ेगा जब तक शिवा तब तक मैं हम लोग उस जगह से सीधा इस पटरी को कहीं और मुड़ के कर देंगे ताकि शिवा कभी भी हमारे न्यूज पॉन पे नहीं पहुंच पाए। ओवरऑल शिवा हमारे न्यूज पॉन पे कभी भी नहीं पहुंच पाएगा जब तक हम लोग नहीं जाएंगे, और लिटरली भाई अब शिवा से हम लोग का पीछा छूटने वाला है, बट डोंट वरी, हम लोगों ने जैसा वीडियो के स्टार्ट में बोला हम लोग शिवा के लिए ट्रैप बनाएंगे, लेकिन शिवा यहाँ पे अचानक से हम लोग के लिए अनबीटेबल हो गया था, क्योंकि भाई शिवा जो है शिवा ने ऑटोमेटिकली कुछ ऐसा किया था या फिर उसके नल भाई ने, सो कॉल्ड नल भाई ने उसको कुछ ऐसी पावर दी थी जिससे उसको एक भी डैमेज नहीं लग रहा था, बट डेफिनेटली अगले बार में शिवा जिंदा नहीं बचेगा, इसकी गारंटी तुमको मैं लिख के देता हूँ। चलो भाई हम लोग यहाँ तक तो आ गए, अब इतनी बड़ी वाली रेल आपने बनाई कब थी ये वाले वर्ल्ड में? ये वाले इसको बनाने के लिए बहुत टाइम लगा था, हम लोग ने जब अब लोग को हम बेस को दिखाया था जब मैं ज्वाइन किया था अभी, हाँ तब तो उसके एक हफ्ते पहले बनाई थी। अच्छा भाई तो हम दोनों तो आ गए, लेकिन अभी हमारा भाई गेमर गॉड तो वहाँ पे अकेला पड़ा है, उस पर कोई सामान भी नहीं है। शिवा जैसा मैंने दिखाया द गेम है, तो आप फट से जाओ गेमर गॉड को लेके चले आओ, शिवा यहाँ तक नहीं आ सकता है, पता है ना आपको, हमने बीच बीच में रास्ता तोड़ दिया पटरी का, वो नहीं आ पाएगा। पर वो फॉलो करके आ जाएगा ना, आ सकता है इसको, वो तो मैं उसको लग तो नहीं, ऐसे भी नहीं रहा, अगर वो गिर भी गया तो भी वापस आ जाएगा। डोंट वरी भाई, अब वो वापस आएगा, उससे पहले हम लोग कुछ ना कुछ प्लान बना चुके होंगे, और सबसे पहले तो पता करते कि नल कौन है, क्योंकि जब तक नल के बारे में पता नहीं चलेगा तब तक भाई कुछ नहीं हो सकता है, समझे। तो गाइस यही था आज की वीडियो के अंदर, आज की वीडियो में तुमने देखा किस तरह से शिवा ने गेमर गॉड को मार दिया और उसको कोई भी डैमेज नहीं लग रहा था, लिटरली भाई कुछ भी हो जा रहा था, लेकिन शिवा जो है वो कैसे भी करके नहीं मर रहा था, और हमारा भाई गेमर गॉड को भी शिवा ने मार दिया, और भाई वो नल पता नहीं वो इंसान है कोई एंटिटी है या क्या है, और मुझे लगता है जो श्लोक भाई हमारे साथ हुआ था नेदर में वो भी शायद इस नल ने ही किया था, नेदर में अनलिमिटेड गेट बनाने तक का काम नल ने ही किया है, और अब नल शिवा के साथ मिल चुका है, तो अब ये देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि नल जो है वो एक एंटिटी है या फिर वो जो है वो एक नॉर्मल प्लेयर है जो कि हैक करता है माइनक्राफ्ट को। लेकिन भाई जो भी है, अब मैंने श्लोक भाई को बोल दिया है गेमर गॉड को बुला लेने के लिए, तो गेमर गॉड भी यहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद भाई ये रेल वाला लाइन जो है वो श्लोक भाई को मैं बोल दूंगा 100 प्लेस से ज्यादा तोड़ देने के लिए कि शिवा भी यहाँ आते आते फ्रस्ट्रेट हो जाए, और तब तक हम लोग कुछ ना कुछ प्लान बना लेंगे जिससे शिवा जो है वो बहुत ज्यादा इजिली मर जाए, ठीक है। और गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत ज्यादा कमाल की होने वाली है ये सीरीज, तो प्लीज से सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, एंड बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज टेक केयर, सी यू नेक्स्ट। ओ भाई ये नल कौन है, व्हाट भाई, भाई श्लोक भाई मुझे अपने आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा यार, ये एक्चुअली भाई ये है क्या भाई, ये फ्लाई भी कर रहा है ये भाई, ये है कौन भाई, मैं नहीं खेल रहा भाई, एग्जिट मारो जल्दी, SMP से बाहर निकलो यार।